और ये चेक करो जरा, वो उस कोने से शुरू हो रहा है, ठीक है, ऑल द वे आप देख रहे हो कि वो वहां तक जा रही है, एंड तक बिल्डिंग, ठीक है। तो ये पूरी जिम की बिल्डिंग है, यहाँ पे सारे खेलने वाले कोर्ट, सारे स्पा, जकूजी, स्विमिंग पूल चार तरह के, और अंदर रेस्टोरेंट भी है, कैफे भी है, सब कुछ है। सब आपको बारी बारी दिखाता हूँ अंदर जाके। हाँ भाई, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या चाल है? दिस इज योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर। तो ऐसे जैसे मैंने कल 10 व्लॉग लगाए थे, बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम वेरी सॉरी, पासवर्ड यूट्यूब का भूल गया था मैं, वो लगा के यूट्यूब की टीम को कॉन्टेक्ट करके, यू नो हाउ इट इज, जब बंदा पासवर्ड भूल जाता है, हर कॉन्टेंट क्रिएटर की जिंदगी में ये वाला फेज आता है, मेरा भी चल रहा था। खैर, एनीवेज, बॉयज एंड गर्ल्स, आज का तो मेन पर्पज व्लॉग का ये कि मैं आपको आज एक्सपेंसिव वाला, सबसे एक्सपेंसिव यहाँ के जो जिम होता है ना, वो आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट कि मेरे आजकल इतनी वीडियोस क्यों नहीं निकल रही और मैं किन चीजों में बिजी हो गया हूँ। पहली तो बहुत ऑब्वियस होगी, पीछे अगर आप मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं तो मेरा बेटा पैदा हुआ है आइजन, उसकी परवरिश में और ये सारी चीजों में बहुत टाइम लग जाता है, स्पेशली जब न्यू बॉर्न होता है तो जो माँ होती है बच्चे की, उसको बहुत सपोर्ट चाहिए होती है चीजों में। दूसरा, फिजा वो यूनिवर्सिटी भी जाती है, वो पीएचडी कर रही है इस टाइम पे, राइट, तो उसकी क्लासेस होती हैं, तो पीछे मुझे रुकना पड़ता है, देखना पड़ता है, अगर मैं कहीं जाता हूँ तो फिजा को देखना पड़ता है। भाई यार, मैं गलत जगह मुड़ गया, पैन सीरी, एक सेकेंड। बच्चे की देखभाल करना ना शुरू वाले टाइम में होता है बहुत ज्यादा मुश्किल, क्योंकि जब आपका अपना बच्चा पैदा होता है ना, तो आपको पता चलता है कि यार आपके माँ बाप ने आपको किस तरह संभाला होगा। कसम से, इंसान का बच्चा बहुत ही फ्रेजाइल और बहुत ही डिपेंडेंट होता है, एक एक चीज उसकी, अगर दूध पिलाना है तो आगे डिकार दिलानी है, फिर उसको स्नगल करना होता है, मतलब यू नो कपड़े में लपेट के सुलाना होता है, खोल के नहीं वो सो सकता, फिर उसके कपड़े बार बार गंदे होते हैं, पैंपर गंदे होते हैं, ये वो बड़ी चीजें होती है जो आप सीखते हो व्हेन यू बिकम अ पेरेंट। दूसरा, मैं कोई अपने बिजनेस पे काम कर रहा हूँ, दो बिजनेस एट अ टाइम, एक की भी मैं बात नहीं कर सकता, मे बी सम अदर डे, बट एक जो मेरा कपड़ों वाला बिजनेस है वो अभी मैंने शुरू जो किया था, मैंने आपको बताया था पीछे, तो उसके सैंपल्स रेडी हो गए एक जगह से, वो बेसिकली अभी शिपिंग के दौरान है, तो वो इंशाल्लाह मेरे पास वेरी सून पहुंच जाएंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ दे लुक, सो यू कैन स्टार्ट प्री ऑर्डरिंग। उसके अलावा अगर आप मुझे सारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें तो आपने देखा होगा आई एम टेकिंग वन ऑन वन कोचिंग, ऑफकोर्स इट कम्स विद अ प्राइस, एक तो 30 to 40 minutes की, एक 1 hour to 1 hour 30 minutes की कोचिंग कॉल होती है, एक की प्राइस है $50 और दूसरी की प्राइस है इट्स लाइक $100। उसका मैं जो फॉर्म है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, यू गाइस कैन चेक इट आउट इफ यू वांट टू बुक एन अपॉइंटमेंट विद मी। सो फार आई हैव बुक्ड अ लॉट ऑफ अपॉइंटमेंट्स एंड ऑल ऑफ देम हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। उसके लिए भी बहुत मेरा अलग से टाइम लगता है, क्योंकि जो लड़का या लड़की मुझे अप्रोच करते हैं ना, मीटिंग से पहले ना मैं पूरा एक लिस्ट बना के उनकी चीजों की कि मैंने क्या बात करनी है, मैं रेडी रहता हूँ, एंड उन चीजों को प्रिपेयर करना और उसके बाद फिर उनसे सही तरह अपना दिमाग लगा के बात करना, ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। इट कुड बी रिलेशनशिप इश्यू, हेल्थ एंड फिटनेस इश्यू, या आपने मेरे से करियर एडवाइस लेनी है, वीजा रिलेटेड इशू, कोई भी चीज की बात है लोग मेरे से कर रहे हैं, आप अपनी एप्लीकेशन मेरे फॉर्म पे सबमिट कर सकते हो और इंशाल्लाह आई विल ईमेल यू बैक। आप अपना ईमेल वगैरह वहां पे डालते हो ना। ऑल्सो मैं जरा टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, पता है बात क्या आ जाती है, जब आपकी जिंदगी में इतनी चीजें एक साथ आ जाए ना, तो हर किसी को इक्वली इंपॉर्टेंस देना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली यूट्यूब को। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, शायद इंस्टाग्राम या टिकटॉक की ऑडियंस माइंड करे, बट हू केयर्स, मैं सबसे ज्यादा अपनी ऑडियंस ही यूट्यूब की पसंद करता हूँ, और मुझे सबसे ज्यादा मजा ही यूट्यूब पे वीडियो लगाने का आता है और यूट्यूब की एंगेजमेंट का आता है। यूट्यूब वॉज एवरीथिंग टू मी एंड यूट्यूब इज एवरीथिंग टू मी, और मुझे बहुत दुख होता है जब मुझे लोग कहते हैं कि यार हम आपकी यूट्यूब वीडियोस इतनी रेगुलरली देखते हैं और अब आप व्लॉग नहीं लगा रहे, व्लॉग खत्म हो गए, हमने सारे देख लिए। मैं कहता हूँ यार शिट यार, इट्स लाइक आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी towards you guys to provide for you guys, you know, the content. Daily vlogging abhi mushkil hogi, lekin at least 2 to 3 vlog to hum hafte mein lagayenge, wo aapne tension nahi leni. Khair, anyways, boys and girls, bahut chat chat hogi, ab scene hi aapse seedha jaake gym mein milte hain, lekin is gym ka ek masla hai boys and girls, aur wo masla kya hai ki main recording wahan pe nahi kar sakta, allowed nahi hai, to gym mein na main recording apne phone se karunga chup chup ke, theek hai, lekin main aapko sari information, sari cheeze, sari jagah dikhaunga, aap logon ne tension nahi leni, pura detail tour karayenge Shugal ke sath. So before we go to the gym, boys and girls, don't forget to subscribe your boy Musa Khana और bell icon भी on कर लें, ताकि आपको आने वाली video जो कि अगले साल तक आएगी उसकी अपडेट आपको आती रहे, नहीं बहुत सुन आएगी, टेंशन लो। खैर, ये वाला तो देखो ना पूरा। तो हाँ भाई, बॉयज एंड गर्ल्स, सीन ये कि हम जिम में आ गए हैं और मैं आपको पहले बाहर से बिल्डिंग दिखाता हूँ कितनी बड़ी है, लाइफ टाइम फिटनेस है, और ये चेक करो जरा, वो उस कोने से शुरू हो रहा है, ठीक है, ऑल द वे आप देख रहे हो कि वो वहां तक जा रही है, एंड तक बिल्डिंग, ठीक है। तो ये पूरी जिम की बिल्डिंग है और भाई यहाँ पे सारे खेलने वाले कोर्ट, सारे स्पा, जकूजी, स्विमिंग पूल चार तरह के, और अंदर रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट भी है, कैफे भी है, सब कुछ है, सब आपको बारी बारी दिखाता हूँ अंदर जाके। तो लाइफ टाइम है इनकी, बेसिकली चेन है, ब्रांच है इनकी। मेंबरशिप जो है ना आई थिंक 280 something $270 पर मंथ होती है, और प्रीमियम लो तो $330 होती है। आई कुड बी रॉन्ग इन द नंबर्स। तो ये सामने एंट्रेंस अभी आपको मैं लेके जाता हूँ, बहुत बड़ा है अंदर से, और बाथरूम ही इनका इतना बड़ा है बॉयज एंड गर्ल्स। अभी तो मैं आपको बाथरूम की फैसिलिटीज दिखाऊंगा। सबसे अच्छी बात यहाँ के बाथरूम की ये है कि अंदर जितने मर्जी टॉवल यूज करो, जितने मर्जी भाई टॉवल इनके होते हैं, अंदर डिओड्रेंट भी होता है, शेविंग की ब्लेड्स वगैरह, वो शैम्पू भी होता है अंदर, कंडीशनर भी होता है अंदर। बाथरूम की जो फैसिलिटी ना सबसे बेस्ट है, कि भाई की फेवरेट जगह ही बाथरूम है। ये बॉयज एंड गर्ल्स हम एंटर हो रहे हैं अंदर। यहाँ पे सामने देख सकते हो कि एंटर होते ही स्पा आ जाता है सामने ना। यहाँ पे हेयर कट की जगह है, आपकी मसाज सेंटर है अंदर। इधर अगर आप देखो तो वो कैफे है और रेस्टोरेंट है। प्रोटीन शेक्स वगैरह होते हैं, क्रिएटिन शेक्स वगैरह ना, और इनके सप्लीमेंट की भी शॉप है अंदर सारी। ऊपर जो है ना सेकंड फ्लोर पे, वहाँ पे है जिम है, सारी कार्डियो मशीन्स है। ये देखो नीचे वाला फ्लोर है, और वो देखो वो ऊपर वाला फ्लोर है ना, जहाँ पे सारी वो मशीन्स वगैरह लगी है, वहाँ पे आपको लेके जाता हूँ। पहले जरा मैं आपको रेस्ट रूम लेके जाता हूँ, ठीक है? मतलब जो बाथरूम है ना, बोला दिखाता हूँ कितना बड़ा है। अगर हम बाथरूम की तरफ जा रहे हो ना, ये देखो इनकी दुकान भी है यहाँ पे, इन्होंने लाइफ टाइम के वो रखे होते हैं ना, मर्च रखी हुई है। इधर जाओगे तो वेटिंग एरिया भी आ जाता है, वेटिंग एरिया चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, पीछे भी सारा वेटिंग एरिया है। अंदर देखो सारा बास्केटबॉल कोर्ट है, बास्केटबॉल लोग खेल रहे हैं, पिकल बॉल है, जो स्क्वाश भी जिसको कहते हैं, वो पीछे बच्चों का एरिया आ जाता है। फिर ये मेन्स रेस्ट रूम आगे मैं आपको दिखाता हूँ। रेस्टोरेंट में एंटर होते हो तो मल्टीपल लॉकर्स हैं यहाँ पे, आप किसी भी लॉकर में अपना सामान रख सकते हो। कोई भी लॉकर हो ना, जो भी खुला होता है, मैसर होता है, उसमें अपना कोड लगाओ और बस अपना सामान रखो। अंदर चिलिंग्स हर जगह पे, इनके अपने ब्लो ड्रायर्स पड़े होते हैं, इनका अपना हेयर स्प्रे होता है, और इधर ही कहीं डिओड्रेंट भी पड़े होते हैं, ठीक है? और सामने देखो कितना बड़ा एरिया है। आप लोग मेरे से पूछे थे मूसा भाई ने शेव क्यों कर ली, मैंने बस ये यहाँ पे फ्री चीजें देखी शेव करने लिए, मुझे जो थोड़ा मैंने कर ली, नहीं मजाक कर रहा हूँ वैसे। वो देखो फ्री टॉवल्स लगे हैं जो कि आप कोई भी उठा सकते हो। पहले मैं आपको जिम दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको सोना और स्विमिंग पूल्स वगैरह दिखाऊंगा, जिम देखते हैं पहले जाके। सीन ये है कि हम आगे ऊपर वाले फ्लोर पे, अब देखो एक आ जाता है एरिया स्ट्रेचिंग वाला, यहाँ पे सारे करते हैं स्ट्रेचिंग। आई थिंक योगा क्लास या डांस होती है, नहीं योगा कहीं और है, वो भी स्ट्रेचिंग वाला एरिया। उसके अलावा ठीक है, ये बॉक्सिंग आ गई है, इधर हो रही है जिम की क्लास, थोड़ा सा आगे यहाँ पे सारी कार्डियो मशीन है एक साइड पे लगी हुई, सारी कार्डियो मशीन आप देख सकते हो हर तरह की। यहाँ पे एक एरिया में बैक की होगी, एक एरिया में आर्म्स की होगी, एक एरिया में चेस्ट की होगी, इस तरह करके ना सेक्शंस बने हुए, लेग्स की होगी। आपकी पिट्ठी में जितने भी मसल्स है ना, उस हर मसल की अलग से एक्सरसाइज मशीन पड़ी होगी, बस आप ये समझ लो। बेंच प्रेस की जगह है सारी यहाँ पे, बहुत सारे डंबल वाला एरिया है, ये लेग प्रेस की जगह आपको नजर आ रही है, हर तरह की चीज है बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ पे। अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स मसला है, मैं यहाँ पे ज्यादा भी रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, कि मैं यहाँ पे थोड़ी सी अपनी एक्सरसाइज करता हूँ। आज है आर्म डे और बैक डे, और इसी एक्सरसाइज लगा के ना फिर आपको बाकी जरा दिखाता हूँ जिम का सीन। आए हूँ शावर एरिया में, ठीक है? आगे सामने जाओ तो स्टीम रूम है, ठीक है? स्टीम रूम में आपको नहीं लेके जा सकता क्योंकि अंदर वैसे ही नजर नहीं आएगा, नंगे खड़े होते सारे, ठीक है? ये भी एक अमेरिका का बड़ा मसला है। ये जो सारा एरिया है ना, ये वो है शावर रूम है, ठीक है? और यहाँ पे तुम देखोगे कि देखो शैम्पू कंडीशनर बॉडी वॉश सब पड़ा हुआ है। यहाँ से निकलो तो पूल का एरिया आ जाता है। ये बॉयज एंड गर्ल्स एज यू कैन सी पूल का एरिया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पूल है, उसके पीछे एक पूल है, वो पीछे बच्चों के एरिया है नहाने वाला, और उसके पीछे आउटसाइड भी पूल है, ठीक है? राइट पे आप देखोगे तो आपको जकूजी नजर आएंगे। यहाँ पे मैं ना रोज आता हूँ, रोज जकूजी बात लेता हूँ, लेकिन सीन ये है कि आज मैंने जरा जल्दी जाना है, मैं आपको गाड़ी में बताता हूँ क्यों, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा आगे और दिखा देता हूँ जो बाहर वाले एरिया है। सोना भी है यहाँ पे, दो दो तरह के सोना है, बाकी ये बॉयज एंड गर्ल्स और फर्दर पूल एरिया है। और वो सामने आप देख सकते हैं आउटडोर पूल की सारी जगह, यहाँ पे अगर आपने आगे पार्टी करनी हो, बच्चों की स्विंग्स लगी। सीन ये है कि बंद किया हुआ है, बारिश शारिश आज काफी हो रही है ना, उसकी वजह से आउटडोर पूल बंद है। तो बॉयज एंड गर्ल्स घर जल्दी जाने की रीजन ये है कि मैंने फिजा से बहुत दिनों से प्रॉमिस किया हुआ था कि वो वियतनामी सूप नहीं होता जो मैं अक्सर आपको लेके गया हूँ व्लॉग्स में, फो जिसको कहते हैं, वो उसने मुझे बहुत अरसे से कहा था खिलाना है, क्योंकि जब से आइजन पैदा हुआ है हम इतना बाहर घूमने नहीं जाते और हमारी आउटिंग हर जगह से बहुत कम हो गई है। तो मैंने उसको कहा था यार सूप पीने को तो तब मजा आता है जब गर्मी कम हो, बारिश का मौसम हो, तो मैंने कहा जब बारिश होगी ना उस दिन लेके जाऊंगा। तो सीन ये है कि दो तीन दिनों से बारिश हो रही है और आज इतना प्यारा और दिलकश मौसम है, लाइटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है आफ्टर सो लॉन्ग। तो मैंने कहा आज अगर टेंशन ना लो, आज तो मैं लेके जाऊंगा। घर जाते जाते मैं आपको इस जिम का एक रिव्यू भी देता हूं और मैं आपको बताता हूं कि मसल बनाने के लिए क्या आपको इतने महंगे जिम की जरूरत भी है कि नहीं। अच्छा तो बिफोर आप लोग मुझे कहें कि मूसा भाई आपके तो बड़े मजे हैं, आप $300 पर मंथ वाले जिम में जा रहे हैं, उस पे तो जाने का किसी का भी दिल करेगा और कोई भी मसल बनाने का, तो भाई जान मेरा सबसे पहला जिम ना एक वो गंदा सा कमरे में होता है, पसीनों की बदबूएं आ रही होती थी हर किसी पे से, और वो जो मशीनों के गत्ते नहीं होते उनके कपड़े फटे
कटे हुए होते थे, कुछ मशीनों में तो चूचू चूचू आवाजें आती थी, वो हमारे को पाकिस्तान में मोहल्ले में जिम होते थे, वहां से मैंने शुरू की थी अपनी जर्नी जिम की। तो मैं आप लोगों से ये ना सुनूं कि भाई मैं बहुत अच्छे जिम में जा रहा हूं, मैं हर तरह के जिम में गया हूं, हर प्राइस रेंज पे। प्लैनेट फिटनेस में पहले यहां पे जाता था तो $10 का जिम है पर मंथ, फिर मैं एलए फिटनेस भी गया हूं, फिर और भी कोई फिटनेस है मैं उन पे गया हूं, अब जाके मैं इस वाले जिम पे आया हूं बिकॉज यू नो आई कैन अफोर्ड दिस लग्जरी। लेकिन अगेन इट्स अ लग्जरी, ये वाला जिम आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जाने की अगर आपने मसल बिल्डिंग करनी है, नॉर्मल अपनी बॉडी बनानी है। नॉर्मल बॉडी तो आप घर में भी बना सकते हो, नॉर्मल बॉडी आप किसी पार्क में भी जाके बना सकते हो, डजंट मैटर। ये सिर्फ लग्जरी है क्योंकि देखो ना यहाँ पे जकूजी है, यहाँ पे डिफरेंट तरह के पूल है, अंदर कैफे है, कटिंग करने वाला बंदा भी है अंदर आपका, योगा क्लासेस होती हैं, डिफरेंट जिम क्लासेस होती हैं, मसाजेस होते हैं। और इस तरह के जिमों में ना बूढ़े बूढ़े लोग ज्यादा आए हुए होते हैं क्योंकि यू नो दे कैन अफोर्ड इट, और वो यहाँ पे आते हैं एंजॉय करते हैं, जिम भी ज्यादा नहीं करते, बस जकूजी यूज कर लेंगे, पूल यूज कर लेंगे और आराम से बैठ के दोस्तों के साथ चिल मारेंगे। जवान लोग भी होते हैं ऑफकोर्स, बहुत ज्यादा जवान लोग होते हैं, बट कहने का मतलब है कि इट्स मोर ऑफ अ लग्जरी देन अ जिम। ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं, इस जिम में मैं क्यों जाता हूं, सिर्फ इसलिए बिकॉज यहाँ के बाथरूम बहुत फिट है, वरना ऑनेस्टली स्पीकिंग जो जिम की मशीन है ना वो तो तुम्हें कहीं पे भी दस्तयाब हो जाएंगी। सो अगेन यू डोंट नीड दिस मच ऑफ एन एक्सपेंसिव मेंबरशिप टू मेक गेन्स। ये तो मैं बस आपको एक लग्जूरियस साइड दिखा रहा था कि भाई इस तरह के भी जिम होते हैं जहां पे आप इतने इतने पैसे दे के भी जा सकते हो, ऐसे एक कंपैरिजन पॉइंट था। खैर एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स घर चलते हैं, फिजा वेट कर रही होगी हमारा, उसे मुझे आगे बातें जरूर सुनानी है कि सो ही जाते जिम के अंदर, हालांकि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जल्दी आऊं, लेकिन जिनकी शादी उनको पता है आप चाहे जो मर्जी कर लो, बीवी ने आपको घर में आगे बात ही लगानी होती है, बट दैट्स व्हाट्स ब्यूटीफुल अबाउट मैरिज, यू नो छोटी छोटी चीजें होती है। मैं फिजा को स्मगल कर लिया घर से, एज यू कैन सी बड़े से बात आप हम दोनों को एक साथ देख रहे होंगे। सीन ये कि आयजन को अब नहीं लाया अभी और फिजा बेचैनी से कुछ तड़प रही है, कह रही जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी, खुद देर करी जा रही, मैं तो कब का रेडी बैठा हुआ था। नहीं मैं रेडी थी, आप चेंज कर रहे थे यार, तुम चलो हो गया हमारा वापस चले। घर में तो इतना फर्स्ट क्लास जबरदस्त किस्म का चिकन बड़ा हुआ, दाल चावल भी है, चिकन भी है, बारिश के मौसम में दाल चावल, आय हाय हाय हाय। आपका ही दिल कर रहा था फल खाने का। हाँ, मेरे पे लगा दिया, कितनी क्यूटी बन जाती हूँ। नहीं नहीं वो नहीं 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 वो मैं तुमसे वादा किया हुआ ना वो, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तुम तो ऐसे एक्ट करती हो, मेरा दिल ही नहीं करता तुम्हें बाहर लेके जाने को, भाई ऐसी बात नहीं, तुम्हें पता बच्चा कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आजकल, देख ही रही हो तुम, है ना। हाँ ऑब्वियसली तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी है ना, बड़े होके चीजें किससे मांगेगा, पापा से। ऑनेस्टली स्पीकिंग वी नेवर लाइक लीविंग हिम अलोन लाइक दिस, ये ज्यादा देखती है उसको मेरे से, लेकिन मुझे भी थोड़ा थोड़ा दिल में कुछ होता है, इवन दो यू नो मामू या मामी घर पे होते हैं उसकी बहुत अच्छी टेक केयर करते हैं, लेकिन वो बस एक पेरेंट्स का डिस्कनेक्ट होते हैं ना, नाउ आई फील इट। जब पेरेंट्स कहते थे ना कि अपने बच्चे को हम घर में नहीं अकेला छोड़ के जा सकते, ये वो, पता नहीं अब क्या कर रहा होगा, अब दूध पिया होगा, अब सो रहा होगा या खेल रहा होगा। इवन मैं यूनिवर्सिटी भी जाती हूँ, मैं आपको मैसेज करके बार बार पूछ रही होती हूँ, बार बार पूछ रही होती है, उसको हम प्यार से कच्चू कहते हैं, कच्चू क्या कह रहा है, मैंने कहा कुछ भी नहीं कह रहा, दूध पी रहा बैठा हुआ, कच्चू क्या कह रहा है, सो रहा है पड़ा हुआ, और क्या कच्चू मास्टर्स की डिग्री कर रहा होगा, पकौड़े तल रहा होगा, कच्चू कुछ भी नहीं कर रहा होता, यूँ पड़ा होता है। अभी भी हम लोगों ने उसको लाना था, बट ये दूध पी के वो सो जाना था उसने, बेचारा सारा टाइम वैसे ही सोया रहता, तो मैंने कहा जो उधर सोना है उधर घर पे सो जाए। और बहुत से लोग कह रहे थे कि कच्चू का जो है ना फेस रिवील करो, आप फेस क्यों नहीं दिखा रहे, यार पहली बात तो देखो अभी बिल्कुल वो पैदा हुआ है, उसका फेस बाय द डे बदलता जा रहा है, दूसरा नजर शजर की भी बात होती है, अपनी भी नजर लग जाती है, पेरेंट्स की भी लग जाती है, किसी की भी चीज की लग जाती है, तो आई बिलीव इन दैट। और बड़ा होके कच्चू गुस्सा कर दिया, फिर सारे न्यू बॉर्न सेम ही होते हैं, पता नहीं मुझे सारे सेम ही लगते हैं। नहीं 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 इतनी भी बात नहीं है, मैं 100 न्यू बॉर्न हो गए ना उसमें अपना देख के बता सकता हूँ, वो आइजन की हरकतें ऐसी हैं जो यूं मुंह बनाता है, मे बी फेस रिवील करेंगे आगे जाके ना, थोड़ा सा आगे जाके, नॉट एट दैट पॉइंट वेयर वी आर कंफर्टेबल, तो शक्ल हर जगह दिखाएं। खैर एनीवेज बहुत ही बातें हो गई हैं, अब आपको सीधा जाके हम फॉ वाली जगह पे मिलते हैं। फॉ वाली जगह पे आगे बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट बना हुआ, लेकिन की मेन्यू में ड्रिंक्स देखो जरा, ये तो चलो नॉर्मल है ना, द बॉसेस वाइफ, द विटनामीज हरिकेन, द सेक्सी एशियन, वो देखो द 16 हाउस, बहुत ही किसी गर्म आदमी ने लिखा होगा, यूं लिख रहा होगा ना मेन्यू, तो उसके पेन में आग लग रही है, परफेक्ट एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, ओह माय गॉड। सीनियर बॉयज एंड गर्ल्स, अभी हम इनका द सेक्सी फो ऑर्डर करते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स हमारे रोल आ गए, और आप चेक करो उसका साइज, जंबो साइज का, इतना बड़ा रोल, पता नहीं किसका, नहीं मर गया। इसमें नूडल होते हैं, राइस पेपर रैप होते हैं, और अंदर चिकन है, और लेटस होती है, पर थोड़ी सी राचा डालेंगे हम। 7.5 out of 10, very good spring roll. Check karo the soup. Isme basically soup hota hai.
इसके अंदर गोश्त होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के बीफ के मीट होते हैं जो कि अंदर ही पक जाते हैं, नूडल है और साथ अनियंस वगैरह हैं। लेकिन ये ब्रॉथ को ना ओवरनाइट कुक करते हैं। यार मुझे क्यों लग रहा है इसमें इसने गोश्त कम डाला है, मैंने स्ट्राइक मार देना इनके किचन में जाके। एक पठान को कभी आपने ऑफेंड करना ना तो उसके खाने में गोश्त कम कर दो। बहुत फोके मैंने सूप खाए हैं, लेकिन देख लीजिए कैसे है। सूप को खाते हो आप? पीते नहीं हो? यू ईट सूप? या आई नो इट्स वियर्ड बट यू ईट सूप, यू डोंट ड्रिंक इट। स्विमिंग पूल का पानी लग रहा है। नहीं मज़े का बॉयज एंड गर्ल्स 6.5 आउट ऑफ 10, लेकिन इट्स नॉट बैड। गर्मा गर्म है, मज़ा आ रहा है, फिर भी बारिश में भीगा। सूप ही कौन सा जिसमें अपने आप की चीज़ें डाल के उसको मज़े का करना है। मैं तो चिली भी डाल दिया, सोया सॉस भी डाल दिया। ये मुझे लोग ही समझ नहीं आती ना, बचपन से ना जो भी सूप बनता था मैं कभी भी उसमें अपनी इंग्रेडिएंट्स नहीं डालता था। तो फिर साइड पे डाली दी की होती है। पागल है ना भाई, जिस तरह बनाया शेफ ने उसी तरह पी जाओ। बॉयज एंड गर्ल्स हमने खाना शाना खा लिया था, जरा जल्दी जल्दी खा के हम दोनों निकल रहे थे क्योंकि हमें फिर आइजन की याद आ रही थी, है ना। कितनी यादों में सता रही थी उसकी। टेंशन हो रही है, क्या कर रहा होगा बेचारा, पंखे की तरफ देख रहा होगा और उसके ना वो थॉट बबल बनी हुई होगी उसमें, हम दोनों के बारे में सोच रहा होगा कहाँ गए मेरे पेरेंट्स, मैं जल्दी से लेके जा रहा हूँ घर वापस। एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स व्लॉग को फिर हम यहाँ पे एंड करते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना और बेल आइकन का भी बटन दबा लें ताकि यू नो आपको पता चल जाए अगले वीडियो का। तो बॉयज एंड गर्ल्स आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, लेकिन डोंट वरी, सून आएगा इंशाल्लाह।